और इनमें से इस वीडियो पे आपको कुछ भी देखने नहीं मिलेगा बक्सिस नेदर को छोड़ के। अबे साले, बिकॉज गाइस ये है वन ब्लॉक। सच बात ये है कि हम लोग वन ब्लॉक में बस सिर्फ ये ब्लॉक को माइन करके हम लोग रिसोर्सेस कलेक्ट कर पाएंगे, और सिर्फ इस ब्लॉक को माइन करते करते हम लोग 10 फेस को क्रॉस करेंगे, जिसमें से अलग अलग फेस हमें अलग अलग बायोम का एक्सपीरियंस देगा। अच्छा, अरे हाँ ब्रो, तो शुरू करें यार। वीडियो का इंट्रो तो हो गया, लेकिन यार मैं मेरा इंट्रो देना भूल गया। तो हेलो व्हाट्स अप गाइस, होनोट्रॉन हियर। हाँ, ये कर लो पहले। माइनिंग स्टार्ट करने के बस 2 सेकंड में मुझे एक चेस्ट मिला, जिसके अंदर मुझे वीट सीड्स और ओक सैपलिंग्स मिला। थोड़ा कुछ वुड यूज करके मैंने सबसे पहले मेरे लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया, और रिमेनिंग लकड़ियों से मैंने कुछ वुडन टूल्स भी क्राफ्ट किया। फिर और थोड़ी देर माइन करते करते मुझे क्या मिला पता है? मुझे मिला पिंकी। हाँ भाई, पता है ये पिगी है, बट मैं इसको पिंकी बुलाऊंगा। ठीक है यार, अपना पिंकी ऐसा एज में खड़े होकर स्टंट मार रहा था, मुझे देखने में थोड़ा सा डर लग रहा था भाई, तो मैंने अपना बेस को थोड़ा सा डर्ट यूज करके बढ़ा दिया, और मैं वापस माइनिंग करने चला गया। एंड यार तुरंत मुझे और एक चेस्ट मिला, और भाई इस चेस्ट में मुझे एप्पल और ओक सैपलिंग्स मिला। इसके आगे थोड़ी देर माइन करने तक मुझे सिर्फ डर्ट और वुड मिले जा रहा था। इसके बाद भाई मुझे और एक चेस्ट मिला, लेकिन यार इस चेस्ट में मुझे एक वाटर बकेट मिला। इसका मतलब समझ रहे हो, मैं और पिंकी अभी फाइनली नहा सकते हैं भाई। कुछ भी, अरे जस्ट जोकिंग ब्रो। तो गाइस, एज पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वन ब्लॉक, हमें अपना वन ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक रखना होगा, नहीं तो ग्रेवल और सैंड जैसे जो ब्लॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। इसीलिए हमें पानी यूज करके अपना ब्लॉक के नीचे और एक ब्लॉक लगाना होगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क यू नो। अब एकदम सही लग रहा है। इसके आगे जाने से पहले हम लोग आज का इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, रूटर इंडिया का सबसे बड़ा गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, और इसे हम लोग एंड्रॉइड, iOS नहीं तो डेस्कटॉप से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ लिंक से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप अपना फेवरेट स्ट्रीमर्स को देख सकते हैं, और हाँ, रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। और फ्री माइंड कॉइंस के थ्रू आने वाले अपडेट में आप माइनक्राफ्ट जावा एडिशन तक रिडीम कर सकते हैं। रिवॉर्ड जीतने के लिए आपको कॉइन अर्न करना होगा, जिसके लिए आप स्ट्रीम देख सकते हो, डेली टास्क कर सकते हो, नहीं तो आपका फ्रेंड को इनवाइट करके भी कॉइन अर्न कर सकते हैं। आप पेटीएम, स्टीम कोड, नहीं तो मल्टीपल गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू भी अपना अर्नड कॉइन को रिडीम कर सकते हो। तो अब भी डाउनलोड करो रूटर ऐप। तो गाइस, इसके बाद मैं सारे डर्ट हटा के उसके बदले में स्लैब से उस जगह को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद गाइस, मैं और पिंकी उस ब्लॉक को क्यूरियसली देख रहे थे माइन करते करते, ये सोच के कि कुछ ना कुछ तो अच्छा निकलेगा, बट यार हमें सिर्फ डर्ट, ग्रेवल और वुड मिल रहा था। और बाय द एंड ऑफ द डे मुझे और एक चेस्ट मिला, और गाइस इस चेस्ट में मुझे और एक ओक सैपलिंग्स, थोड़ा सा वुड एंड एक टॉर्च मिला। और फाइनली पहला फेज शुरू हो चुका था, जिसका नाम है द प्लेन्स। तो गाइस, इस फेज में बहुत देर तक डर्ट और वुड का माइनिंग करने के बाद मुझे एक ऐसा चीज मिला जिसे मैं बहुत नफरत करता हूँ भाई। हाँ भाई, ये वही है जिसने मेरा इज्जत डुबा दिया। अगर आप लोग को नहीं समझ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यार आप लोग को मेरा बैड लैंड्स का वीडियो देखना होगा। फिर तो यार माइंड करते करते अपना पिंकी का डिंकी भी मिल गया। ओए डिंकी! अरे डिंकी नहीं, डिंकी भाई। फिर क्या, पिंकी और डिंकी को सरका के हम वापस माइनिंग करने लग गए। बीच बीच में मुझे ब्रिज का वुड भी मिल रहा था, और गाइस फाइनली मुझे पम्पकिन भी मिला। और धीरे धीरे अपना अगला गेस्ट भी आया, जो है मिस्टर काउ। हेलो, हाउ आर यू? वैसे मुझे मिस्टर काउ का सडन विजिट काफी अच्छा लगा, बट यार अभी मुझे काम करना पड़ेगा, तो मैंने उसको प्यार से साइड में हटा दिया। फिर वापस से थोड़ी देर माइनिंग करने से मुझे और एक चेस्ट मिला, जिसके अंदर था 2 ऑमलेट, अरे मेरा मतलब अंडा ब्रो, एग्स, और एक ब्रिज का सैपलिंग मिला। तब तक अपना अगला विजिटर भी आ गया, जो है एक बकरा। तो मैंने उससे पूछा, भाई बिरयानी बनना है? तो उसने बोला नहीं, तो मैं उसको साइड में हटा दिया। यार इस छोटा सा प्लेटफॉर्म में इन सबके साथ मिलकर माइनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था रे। फिर क्या, मैंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म एक्सटेंड किया और इन सारा जानवरों को उन प्लेटफॉर्म के अंदर ढकेल दिया। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्पेस में हमें सिर्फ डर्ट, वुड और विजिटर्स मिलेंगे। बस मैं बोल के मुंह बंद तक नहीं किया भाई, तब तक आ गए चिकन, वो भी एक का डबल। एक का डबल? अरे हाँ बाबू भैया, देखो 2 चिकन है। तो गाइस इनको भी मैंने वीट चीज का लालच दिखा के उस छोटा सा जगह पे घुसा दिया। माइनिंग करते करते मुझे थोड़ी देर में पिंकी डिंकी का फ्रेंड भी मिला, लेकिन यार अपना पिंकी डिंकी के साथ और एक बंदे को जोड़ने के लिए मेरे पास जगह नहीं था, तो यार पिंकी डिंकी का जो फ्रेंड है उसका डिंग डॉग हो गया, और उनको पता भी नहीं चला। देखते देखते मिस्टर को का जोड़ी भी आ गया, फिर उसको भी मैंने अंदर डाल दिया। अब बस एक काम करना रह गया, बस इसका सेटिंग करना बाकी है।
यार पता नहीं हर बार ये कैसे पीछे रह जाता है। और फिर माइनिंग करते करते मुझे और एक चेस्ट मिला जिसके अंदर था लेदर और पम्पकिन सीड्स। वैसे पम्पकिन सीड्स आपको पम्पकिन से भी मिल जाएगा। अबे साले। अरे जस्ट किडिंग ब्रो, मुझे पता है कि ये बात आपको पता है। और गाइस फाइनली अपना बकरा का बकरानी आ गई। इसका मतलब मैंने सबका सेटिंग फाइनली कर ही दिया। यार मुझे वन ब्लॉक खेलने का था, पता नहीं यहाँ पे बकरा का सेटिंग करके बैठा हूँ मैं। फिर तो गाइस बहुत देर के माइनिंग के बाद अपना फेस वन द प्लेन्स का एंड आ चुका है। तो गाइस अभी हम लोग फेस टू में आ चुके हैं जिसका नाम है द अंडरग्राउंड। तो गाइस फेस टू में आने वाले कतरों से बचने के लिए मैंने माइनिंग एरिया को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। और गाइस इस फेस में मुझे कोबलस्टोन मिलने लग गया। इसका मतलब मैं फाइनली मेरा टूल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ और मैंने कर भी लिया। माइनिंग करते करते मुझे मेरा पहला कोल मिला जिसको मैं टॉर्च बना के बिटा दिया। और इस फेस में मुझे मोस्टली स्टोन, ग्रेवल, कोल, आयरन ये सब कुछ देखने को मिला। और गाइस आयरन से मैंने सबसे पहले एक शील्ड बनाया बिकॉज यार गणेश गायतोंडे ने मुझे पर्सनली पूछा भाई मरना तेरे को डर नहीं लगता? ज्यादा डर नहीं लगता मेरे को, बस थोड़ा सा डर लगता है, इसीलिए मैंने शील्ड बना दिया। वैसे गाइस आपने मेरे पीछे नोटिस किया ये है अपना सूप फैक्ट्री। अरे वही भाई, ये अपने को अनलिमिटेड सूप देते हैं जिससे हम लोग का बॉडी एकदम तगड़ा बन जाता है ब्रो। तो ब्रो इस बंदे को भी A+ प्रोटेक्शन के साथ एक साइड में कैद कर दिया है। फिर वापस से माइनिंग करते करते हमारा सूप फैक्ट्री कम्युनिटी में और एक मेंबर भी आ गए। फिर अपना सूप फैक्ट्री कम्युनिटी वाले के साथ इस बंदे को भी बिठाया और हम लोग वापस माइनिंग करने आ गए। और मेरा माइनिंग सेशन को डिस्टर्ब करने कौन आया? हेलो फ्रेंड। फिर क्या, इसको भी मारा और फाइनली मॉन्स्टर हंटर का अचीवमेंट लिया। गाइस आप लोगों को पता है ये अचीवमेंट लाखों में सिर्फ एक बंदे को मिलता है। साले का खोपड़ी तोड़। अरे बाबू भैया I'm joking. और कुछ देर बाद माइनिंग करने से मुझे कारगोश मिला। यार डेजर्ट में तो ये लोग मेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलते थे, अभी कितना शांत है देखना भाई। फिर और थोड़ा चाय पिलाने वाले बंदे आए, उनका मैंने वापस से मारा। फिर दोबारा माइनिंग करने चला गया। वैसे गाइस ये सब वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है एंड ये बात शायद आप लोग भी जानते हो। अगर गाइस आप लोग को इस चैनल को सपोर्ट करने का है तो गाइस सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना एंड हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर देना। यार इस फेस में मकड़ियां भी स्पॉन होने लग गया भाई। और आपको पता है मकड़ी को मारने के चक्कर में दो कारगोश को भी पीट दिया मैं। मजा आया, मकड़ी तक चलता है भाई। लेकिन ये बंदा वो तुरंत मेरे पीछे पीछे आने लगा भाई, मैं उससे दूर हटा लेकिन दुर्घटन नहीं घटा भाई। यार साले ने सब कुछ तोड़ फोड़ करके रख दिया ब्रो। फिर मैंने माइनिंग एरिया को रीअरेंज करके स्टोन लगा दिया। फिर बीच बीच में ये चाय बांटने वाले भी बार बार आ रहे थे तो उनको भी मुझे हर बार मारना पड़ा। इस बार पत्थर से सेटअप करने के कारण इस नूबड़े की वजह से हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यार सच्ची बताओ तो एक ही जगह पर बैठे बैठे माइन करने में मुझे बहुत बोर हो रहा था, लेकिन इन नमूनों की वजह से मैं काफी एंटरटेन हो रहा था। अच्छा। और गाइस धीरे धीरे कैसे तो करके मैंने फेज 2 कंप्लीट कर लिया और जो थर्ड फेज है उसका नाम है आइस टुंड्रा। तो गाइस फेज 2 में मैंने जितना भी सैपलिंग्स कलेक्ट किया, मैंने सोचा कि फेज 3 शुरू होने से पहले हम लोग पहले ट्री फार्म बना लेते हैं। तो गाइस आइस टुंड्रा का फेस में मुझे शायद से आयरन पिकैक्स का जरूरत पड़ सकता है तो मैंने फटाक से एक आयरन पिकैक्स क्राफ्ट कर लिया। इस फेस में मुझे सबसे ज्यादा डर्ट, आइस क्यूब्स और आइस बॉल्स मिल रहा था। और गाइस फेस 3 में जाके फाइनली मुझे एक पेट मिला, बट इसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। तो मैंने अभी के लिए मेरे पेट को बाहर हकल दिया और मैं वापस माइनिंग करने चला गया। और तब तक मेरे सामने एक स्नो वाला स्केलेटन आता है जिसका नाम है स्ट्रे। बट यार स्ट्रे को मेरे से ज्यादा मेरा पेट डैमेज दे रहा था भाई और वो स्ट्रे मर भी गया। शाबाश बेटा। और जब दूसरा स्ट्रे आया तो गाइस मैंने उस स्ट्रे को मस्त मारा एंड उससे हड्डी चुरा के अपना पेट को खिलाया एंड उसको मैं बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बना दिया। अरे थैंक यू ब्रो। तो गाइस अभी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड होने के कारण मैंने इसको फटाक से एक छोटा सा घर बना दिया। फिर माइंड करते करते मेरे सामने एक चोर आया एंड गाइस आप लोगों को पता है मेरा चोर लोग के साथ दुश्मनी बहुत बड़ा है। और जब ये वुल्फ मेरा सामान चोरी करके जा रहा था तो गाइस मैंने इसके साथ
कर दिया। और फाइनली मिला हुआ सारा आयरन इंगट यूज करके मैंने मेरे लिए चड्डी बनियान बना दिया और अपना इस छोटा सा आइलैंड में नेक्स्ट बड़ा गेस्ट आने वाला है जिसका नाम है स्नो व्हाइट। तो गाइस अपना स्नो व्हाइट थोड़ा सा मोटा होने के कारण अपने को अपना जगह को तोड़ फोड़ करके उसको बाहर निकालना पड़ा। वैसे स्नो व्हाइट को फ्रीली बाहर घूमने के लिए जगह नहीं था तो यार मैंने अपना एरिया को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। यार बड़ा जगह तो बनाया बट पता नहीं क्या सोचा मैंने स्नो व्हाइट को भी कैद कर दिया। कोई बात नहीं यार, स्नो व्हाइट मिलने के थोड़ी देर में मुझे स्नो व्हाइट का हस्बैंड भी मिला बट यार गलती से उस पे मेरा एक्स लग गया और अगर अभी मैं गेट खोलूंगा तो भाई वो मेरे पे चढ़ जाएगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको काम डाउन कैसे करूं। फिर मैंने एक सेकंड अपना स्नो व्हाइट के बारे में सोचा। देखो यार अपना स्नो व्हाइट कितना प्यारी है और उसका हस्बैंड कितना खड़ूस है। तो गाइस मैंने स्नो व्हाइट को बिन बताए उसका हस्बैंड को दो दिया। तो गाइस इसके बारे में स्नो व्हाइट को मत बताना। फिर तो यार अपना दूसरा पेट भी आया लेकिन यार इसका भी नाम मैं बाद में बताऊंगा। फिर माइनिंग करते करते मुझे एक वार्निंग आया, उनके साथ बस लड़ने ही वाला था लेकिन यार वो लोग खुद एक एक करके नीचे गड्ढे में गिर गए। ब्रो काफी टफ फाइट था यार। तो यार इन सब को ठीक करके मैं माइनिंग कर ही रहा था तब तक दो स्ट्रे स्पॉन हुए लेकिन यार उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। फिर क्या, मैं और मेरा पेट दोनों बैठ के बस मजे ले रहे थे इस फाइट का और जो जीता उसको मैंने मार दिया। बट यार मेरा पेट का आंख इतना लाल लाल क्यों है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर तो यार माइनिंग करते करते मुझे एक चेस्ट मिला लेकिन यार इस चेस्ट के अंदर था आइस क्यूब्स। तो गाइस अब मैं इस आइस क्यूब्स को यूज करके अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकता हूँ। तो गाइस मुझे एक चेस्ट में थोड़ा हड्डियाँ मिला जिसको यूज करके मैंने मेरा दूसरा फ्रेंड को भी बेस्ट फ्रेंड बना लिया और उन दोनों को एक साथ बिठा दिया। वैसे आप लोग इनका नाम जानना चाहते हो ना, बस और थोड़ी देर रुक जाओ मैं बताऊंगा। और सरप्राइजिंगली मुझे और एक पेट मिला बट यार इसको खिलाने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं था और जैसे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा मैं इन तीनों का नाम तुरंत बता दूंगा। फिर मैं थोड़ी देर के लिए गार्डनिंग कर रहा था। फिर मैंने एक स्प्रे को मारा और उससे बोन कलेक्ट करके फाइनली अपना तीसरा फ्रेंड को भी बेस्ट फ्रेंड कर दिया। सो फाइनली इनका नाम रिवील करने का टाइम आ चुका है। आर यू गाइस रेडी? सो गाइस इनका नाम है चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अरे वही चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। यार इनका नाम मस्त है ना। वैसे मेरे पास सैपलिंग्स थोड़ा ज्यादा था तो यार मैंने सोचा कि अपना ट्री फॉर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते। देखते देखते ये फेज भी एंड हो चुके हैं। तो गाइस जो फोर्थ फेज है उसका नाम है ओशियन और इस फेज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना वीट फार्म बना लेते हैं। अभी वीट फार्म बन गया तो यार मैंने साथ साथ थोड़ा प्लेटफॉर्म भी एक्सटेंड कर दिया और जैसे मैंने ओशियन फेस को माइन करना शुरू किया मेरे सामने टर्टल्स आया। ब्रो इनको देखने में स्टार्टिंग में मैं काफी एक्साइटेड था लेकिन यार ये लोग बाद में ही जाके मालूम पड़ा कि बहुत ज्यादा ही अनोइंग है। तो अभी के लिए इनके लिए साइड में थोड़ा जगह एक्सटेंड किया और वीट फार्म को स्लाइटली डेकोरेट कर दिया और अपना टर्टल के लिए छोटा सा पूल एरिया बनाया और इनको बहुत देर तक धक्का मार मार के फाइनली इनको पानी में गिरा दिया। और हाँ गाइस ये बात तो मैं बोलना ही भूल गया, मैंने मेरा स्नो व्हाइट को आजाद कर दिया बिकॉज यार कैद करके रखने से बार बार बहुत ज्यादा ही आवाज कर रहा था। और ये देख रहे हो इनके लिए एकदम मस्त स्विमिंग पूल बना के दिया और ये बाहर ऐसे लटक रहे हैं। पूछा तो बोलते हैं डर के आगे जीत है। अब इसको मैं ये कैसे समझाऊं कि डर के आगे जीत नहीं मौत है। अब अगर मैं इसको बचाने जाऊंगा तो यार शायद से मैं भी मर सकता हूँ तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ दिया और मैं माइनिंग में लग गया। ये भी ठीक है। और माइनिंग करते करते हमें फाइनली मिल गया डायमंड। यस ब्रो। फिर मैंने डायमंड को माइन किया और जब मैं वापस से अपना टर्टल को चेक करने गया भाई ये दोनों बाहर घूम रहे थे। यार सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है जी। अभी इनको जितनी भी बार मैं पानी के अंदर रखने का कोशिश कर रहा था यार लेकिन इनको पानी के बाहर ही भटकना था। यार सीरियसली ये सब देखने के बाद ना मुझे इनके लिए कुछ अच्छा बिल्ड करने का मन भी नहीं कर रहा था। वैसे सामान स्टोर करने के लिए जगह नहीं था तो यार मैंने सोचा एक स्टोरेज रूम बना लेते हैं।
यार वैसे ये एकदम बेसिक लेवल का स्टोरेज रूम है, बट फिर भी अगर आप लोग को ये स्टोरेज रूम पसंद आया तो एक स्माइली फेस दे देना, ठीक है। और गाइस माइनिंग करते करते मुझे एक ड्राउनर मिला जिसके हाथ में एक ट्राइडेंट था। मैंने सोचा अगर मैं इसको मार दूंगा तो शायद ये एक ट्राइडेंट गिराएगा, लेकिन वो लूबड़े ने कुछ नहीं गिराया। सारा मूड खराब कर दिया। और यार मछलियां भी स्पॉन हो रहे थे तो उनको मैंने पकड़ के पानी में छोड़ दिया। और फाइनली गार्डियन लोग भी स्पॉन हुए जिनको मारने से मुझे चोट लग रही थी यार, बट फिर भी मार खाते खाते उनको मार ही दिया। फिर मुझे और एक डायमंड मिला और फाइनली एक एल्डर गार्डियन भी स्पॉन हुआ। तो गाइस इसको मारने का एक सिंपल तरीका बताऊं, ये बस इसके अंदर होने के कारण बार बार उछल रहे हैं। अगर आप इसके साइड का फेंस को तोड़ दोगे तो ये खुद ही खुद कूद के खुदकुशी कर लेगा। क्या बात है जी। अरे थैंक यू जी। यार वैसे अब मछलियां भी स्पॉन होने लगे तो मैंने सोचा एक छोटा सा फिश टैंक बना लेते हैं। पता नहीं यार अपना वन ब्लॉक में सबको कचरों का खिलाड़ी बनना है, लेकिन यार इनका स्टंट देख के मुझे डर लग रहा था, तो यार मैं हीरो बनके स्नो व्हाइट को हेल्प करने गया। लेकिन इसके आगे जो हुआ यार वो आप लोग खुद ही देख लो। रुक जाओ भाई। हाँ आई थिंक मैं अभी इसको थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ। ए भाई बाहर निकल, बाहर निकल, हट, पड़। अरे निकल नहीं। ओ खत्म, बाय बाय, गया। उसको निकालने के चक्कर में मेरा पूरा सामान चला गया भाई। और वो देखो कैसा लगा मेरा मजाक तेरे वजह से साले। यार इसने इसका शरीर का फायदा उठा के मुझे गड्ढे पे गिरा दिया ब्रो। आई थिंक इसको इसका हस्बैंड का मौत के बारे में मालूम पड़ गया यार। किसने बताया रे? वैसे यार मुझे और दो टर्टल मिला। यार ये लोग बहुत अनोइंग है रे, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। तो मैंने सोचा इनको एक नाम रख देता हूँ। तो पहले का नाम रहेगा बहरा और दूसरे का नाम रहेगा यूजलेस। तो यार मैं बहरा और यूजलेस को फिश टैंक में धक्का मार दिया और देखते देखते स्नो व्हाइट भी औकात में आ गया। तो गाइस मुझे जल्दी से जल्दी इनके लिए एक अलग जगह बनाना चाहिए, बिकॉज आगे आने वाले फेसेस में इनके लिए बहुत ज्यादा कतरा हो जाएगा। गाइस मुझे एक डाउट है, अपना स्नो व्हाइट मेरा बात क्यों नहीं सुनता? अरे यहाँ पे कोई भी मेरा बात क्यों नहीं सुनते? अरे तू जा रही, गजब बेइज्जती है। अब तो सिर्फ चिकन के लिए एक जगह चाहिए था, तो यार मैंने वो भी अलोकेट कर दिया। और यार अपना माइनिंग एरिया काफी बेसिक सा लग रहा था तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। यार इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक मैंने मेरे लिए एक बेड तक नहीं बनाया। तो मैंने फटाक से थोड़ा वीट कलेक्ट किया, फिर मिस्टर काउ और शीप को फैमिली मैन बना दिया और अपना सूप फैक्ट्री को भी माइनिंग एरिया से थोड़ा सा दूर कर दिया। और यार माइनिंग करते करते मुझे बहरा और यूजलेस का बाई मिला तो मैंने उसे कचरा की तरह बाहर फेंक दिया। और तो गाइस माइनिंग करते करते मुझे एक चेस्ट मिला जिसके अंदर था त्रिशूल, अरे वही इंग्लिश में बोला तो ट्राइडेंट। बट यार मुझे और एक चेस्ट मिला उसके अंदर भी ट्राइडेंट, मतलब दो लड्डू फूट गया भाई मेरा। यार दो लड्डू हाथ में पकड़ने से क्या मस्त लग रहा हूँ यार मैं देखने में। तो यार अभी हम लोग फेज 5 में हैं और इस फेज का नाम है जंगल डंजन। और गाइस इस फेज में मोस्टली मुझे जंगल वुड, कॉबलस्टोन और आयरन मिला। और गाइस इस फेज में मुझे पैरट भी मिला जिनको फटाक से वीट खिला के मेरा दोस्त बना दिया। और गाइस मुझे आज मालूम पड़ा कि माइनक्राफ्ट में पप्पा का परी भी है। क्या बोला तूने? अरे तो देख ब्रो आएंगे देख अभी। आ गए ना पप्पा का परी। यार ये परी बहुत डेंजरस है, एक तो ये लोग दीवार के आर पार जाते हैं, ऊपर से बहुत भयंकर डैमेज देते हैं। बट ब्रो हम भी किससे कम नहीं है, मैंने मेरे तलवार से थप्पड़ मार दिया। और फिर तो यार मुझे एक चेस्ट के अंदर बैम्बू और डायमंड भी मिला यार। और फाइनली माइनक्राफ्ट का सबसे क्यूट प्राणी भी आया। यार मैं सच्ची बता रहा हूँ जैसे मैंने इसको देखा मैंने बाकी सारा काम छोड़ दिया और इसके लिए घर बनाने का काम शुरू कर दिया।
तो गाइस इसके आगे आने वाले फेसेस बहुत खतरनाक होंगे। तो यार मैंने सबसे पहले जितना भी आयरन था सब मिला के मैंने मेरे लिए अच्छे से एक बॉडी आर्मर बना लिया। उसके बाद मैं माइनिंग करने के टाइम में मुझे एक चुड़ैल मिली और वो बार बार हंस रही थी भाई, तो मैंने भी हंसते हंसते उसको गटर में धक्का मार दिया। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई। अरे थैंक यू जी। और उसके बाद माइनिंग करते करते मुझे एक घोड़ा मिला, तो यार मैंने इसका नाम रख दिया पकोड़ा। यार इनको वीट खिला के इनका फ्रेंड तो बन जाऊंगा, लेकिन यार इनके ऊपर बैठ के सवारी करने के लिए मेरे पास सैडल नहीं है। तो यार मैंने चेस्ट से मिला हुआ रस्सी से इसको एक साइड में बांध के रख दिया और मुझे और एक चेस्ट मिला जिसके अंदर था शुगर और लैपिस वसूली। फिर वापस से माइनिंग करते करते मुझे और एक घोड़ा मिला, तो यार मैंने इसका नाम रख दिया चाय। तो वैसे मेरे पास पकोड़ा और चाय है, तो क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? कुछ भी। और यही सब करते करते अपना जंगल फेस भी पार हो चुका है। तो गाइस ये तो सिर्फ पार्ट 1 था वन ब्लॉक का। अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो यार नंबर 12 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक कर देना। मिलते हैं अगला वीडियो पे। टिल देन योर फ्रेंडली यूट्यूबर होनोट्रॉन साइनिंग ऑफ।